विद्युत विभाग के अक्षम कार्य प्रणाली के कारण पुरातन दसवां घाट के रामलीला मंचन बाधित होने के संबंध में शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और पुरातन दसवां घाट के रामलीला को विद्युत आपूर्ति पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल पुराना दसवां घाट में पुरातन समय से रामलीला का मंचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। अब की बार संज्ञान में आया कि दौलतबाग क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों की अक्षम कार्य प्रणाली के कारण रामलीला मंचन के लिए अस्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन न देने के कारण रामलीला मंचन बाधित हो रहा है और रामलीला समिति के लोग इसे लेकर मंचन स्थल पर ही अनशन करने के लिए बाध्य हो गए हैं, जो कि भाजपा सरकार में बहुत ही दुख का विषय है। जबकि पूर्ववर्ती सपा व बसपा सरकारों में रामलीला मंचन के लिए विद्युत व्यवस्था अनवरत जारी रहती आई है। अभी हाल में दौलतबाग विद्युत स्टेशन के कर्मचारी लाखों रुपए के अवैध विद्युत बकायेदारों के कनेक्शन देने में संदेह के घेरे में आ चुके हैं। रामलीला का मंचन बाधित होने से क्षेत्रवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जिला प्रशासन इस ओर जल्दी कोई उचित कार्यवाही कर दिशा निर्देश दे। ज्ञापन देने वालों में शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, जिला प्रमुख मुदित उपाध्याय, महानगर प्रमुख कमल राव, प्रदेश उप प्रमुख विपिन भटनागर समेत कई शिव सैनिक मौजूद रहे। बात ये कि हम एक तरफ से भगवा गवर्नमेंट में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राम जन्मभूमि की बहुत बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात है कि राम जन्मभूमि से मुक्ति आंदोलन हुए और आज राम जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन रामलीला के मंचन में मुरादाबाद में जब 85 वर्ष से रामलीला हो रही है, जिस रामलीला पे समस्त हिंदुओं की आस्थाएं हैं और समस्त क्षेत्र के लोग वहां जाते हैं, उस रामलीला में आप लोगों के द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आम जनमानस के द्वारा वहां आपने परिस्थिति देखी कि वहां पर रामलीला मंचन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां बिजली नहीं है। बिजली की जगह जो वहां पर हमारे पूजनीय है श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, समस्त जो लोग हैं वो मोमबत्ती लेकर के ये और धरने में बैठे हैं कि बिजली दी जाए। तो ऐसे और अधिकारी आज भी इस पे आराम से अपनी बिजलियाँ जलाए हुए हैं और हमारे जो इतना बड़ा रामलीला रोक दी गई इस पे नहीं है। इसको अविलंब अधिकारियों को करना पड़ेगा, नहीं तो हम बिजली विभाग से लेके सब जगह ना प्रदर्शन लड़ाई लड़ेंगे और इसमें भ्रष्ट अधिकारियों की हम चाहेंगे इन पे जांच हो और इनके साथ जो भी हो एक जांच के अनुसार इनको निलंबन कराए। अच्छा, ये जो बिजली की समस्या है ये केवल इसी साल आई है या पहले भी? पहली बार देखी हमने ये बिजली की समस्या, इससे पहले होती थी बिजली की व्यवस्था? अभी भी ऐसी बिजली की। तो बिजली विभाग के अधिकारी से बात की आपने? बिजली के जिलाधिकारी मुख्य है ना, जब भी शहर के अंदर कैसी कोई स्थिति हो जाती है बिजली विभाग के अधिकारियों की मीटिंग तो 2 दिन पहले भी आपने देखा, जिसमें सारे हमारे विधायक भी थे, हमारे सांसद महोदय भी थे, बिजली विभाग की मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के बाद पता नहीं क्या तय हुआ कि कितना पैसा किधर बटना ये तय हुआ, या बिजली नहीं देनी ये तय हुआ, या रामलीला में बिजली नहीं देनी ये वाली बात तय हुई। उसको देखो आप, रामलीला में बिजली न देना और रामलीला रुक जाना ये बहुत ही गंभीर विषय है और हिंदुओं की आस्था के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह है और हम इस पे कहीं भी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं। क्या कदम रहेगा आगे? हमारा ये कदम रहेगा, आज बात हुई है, इन्होंने कहा हम बिजली अधिकारी को बुला रहे हैं, रामलीला मंचन के लोगों को बुला रहे हैं, शाम तक हमसे एक बार वार्ता कर लिए, नहीं होगी तो शिवसेना इसमें कल जबरदस्त तरीके से इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल अनशन करना पड़ा तो करेगी।